रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 100 रुपये का नया नोट बाजार में लॉन्च करेगी। नए नोट का रंग बैगनी कलर का होगा और इस पर वैश्विक धरोहर के रूप में शामिल गुजरात के ऐतिहासिक रानी का बाव यानी कि रानी की बावड़ी की झलक देखने को मिलेगी। आकार में यह पुराने 100 के नोट से काफ़ी छोटा और 10 के नोट से बड़ा होगा। हालांकि नए नोट के जारी होने के बावजूद भी पुराने नोटों का प्रचलन बने रहेंगे। 100 के नोटों की छपाई बैंकों के नोट प्रेस देवदास में शुरू हो चुकी है। नोट की नई डिज़ाइन का अंतिम रूप मैसूर के उसी प्रिंटिंग प्रेस में दिया जाएगा जहां 2000 के नए नोट छापे जाते हैं। इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है कि नए नोट की छपाई स्वदेशी स्याही और स्वदेशी कागज़ के उपयोग होगा। नए नोट का आकार के साथ साथ वजन भी कम होंगे। मैसूर में जो शुरुआती प्रोटोटाइप नमूने छापे गए थे उनमें स्वदेशी स्याही का उपयोग हुआ था। देवदास में देसी स्याही के प्रयोग से प्रोटोटाइप में हूबहू रंग मिलाने में आज शुरुआती दिक्कत को हल कर ली गई है। नए नोट के आकार के साथ वजन में कम होंगे। पुराने नोटों की गड्डी की वजन जहां 108 ग्राम थी वही साइज 100 से गड्डी के वजन 80 के आसपास होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुहर के देवदास बैंक नोट प्रेस की प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। RBI अगस्त 2018 के सितंबर या अगस्त में ही इसे जारी कर दिया जा सकता है। ATM में करना होगा बड़ा बदलाव। बैंकों में अपने ATM के केस ट्रेड के बारे में एक बदलाव करने होंगे ताकि 100 के नए नोट रखे जा सके। 2014 में केंद्र में नई सरकार आने के बाद चौथा मौका होगा जब बैंकों को ATM में बदलाव करना पड़ा। इससे पहले 2500 और 200 के नोटों के लिए बदलाव करने पड़े थे और अब 100 के नोटों के लिए भी ATM में बड़ा बदलाव होने वाला है। होंगे नए सुरक्षा फीचर्स। नए नोट के सामान्य सुरक्षा फीचर्स के साथ साथ लगभग एक दर्जन नए सूक्ष्म सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े गए हैं। उनमें सिर्फ अल्ट्रावायलेट रोशनी ही देखी जा सकती है। यूनेस्को की सूची में शामिल रानी की बाव यानी कि रानी की बावड़ी गुजरात के पाटन में स्थित रानी की बाव को यूनेस्को 2014 में विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया था। इस बावड़ी को सन 1063 में गुजरात के शासक भीमदेव सोलांकी की प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। पिछली शताब्दी में पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे खोजे जाने से पहले लगभग 700 साल तक यह बावड़ी सरस्वती नदी के गाद में डूबी रही। यूनेस्को ने इसे भारत की बावड़ियों में सभी बावड़ियों का रानी का खिताब दिया है, इसलिए इसे रानी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है।